पीएम मोदी को वोट दें क्योंकि उन्होंने कोरोना के दौरान सभी को जिंदा रखा, देवेंद्र फडणवीस का बयान। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को लोगों से अन्य मुद्दों को किनारे रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कोविड 19 महामारी के दौरान टीके उपलब्ध कराकर सभी को जीवित रखा। सीएम ने 32 सोलापुर जिले के माधा और बारसी कस्बों में अपने संबोधन के दौरान कोरोना के टीकों पर वोट मांगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पहली रैली उस्मानाबाद संसदीय क्षेत्र के हिस्से बारसी में की, जहां एनसीपी की अर्चना पाटिल शिवसेना यूबीटी के मौजूदा सांसद ओम राजे निबालकर के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। शिवसेना यूबीटी माढ़ा माधा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद रंजीत सिंह निबालकर को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी के धैर्यशील मोहित पाटिल के खिलाफ फिर से मैदान में उतारा है। धैर्यशील ने इस महीने की शुरुआत में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। डिप्टी सीएम ने कहा कि अन्य मुद्दों को किनारे रखें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दें क्योंकि उन्होंने महामारी के दौरान हमें जीवित रखा। पीएम मोदी के नेतृत्व में टीका बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने पहल की और उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल अपना टीका बनाया बल्कि अन्य देशों को भी इसकी आपूर्ति की। उन्होंने भारत के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम का जिक्र किया। इसके तहत कई देशों को एंटी कोविड जैब्स की आपूर्ति की गई थी। फडणवीस ने कहा कि मोदी के सत्ता में आने से पहले देश मजबूत स्थिति में नहीं था। पहले पाकिस्तान से लोग आसानी से यहाँ आ सकते थे और आतंकी हमले कर सकते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर पाकिस्तान की शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जवाबी कार्रवाई की। आज पाकिस्तान हो रहा दिवालिया, देवेंद्र फडणवीस। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत समृद्ध हो रहा है जबकि पाकिस्तान दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब शरद पवार ने विजय सिंह का राजनीतिक करियर लगभग समाप्त कर दिया था तब हम उनके पीछे खड़े थे। अब आगे की रणनीति तय करना मोहित पाटिल पर निर्भर है। मुझे नहीं लगता कि मोहित पाटिल परिवार के सभी सदस्य धैर्यशील के फैसले से सहमत होंगे। विजय सिंह के बेटे रंजीत सिंह मोहित पाटिल महाराष्ट्र विधान परिषद के बीजेपी सदस्य हैं। आम चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को माधा और उस्मानाबाद लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर आम चुनाव के 5 चरणों में 19 अप्रैल से 20 मई के बीच चुनाव होने हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।